ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमेश्वरी देवी चराचरस। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के गुड लक में। मैं हूँ आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य, हर रोज की तरह आपके साथ। आज के गुड लक में आपको हम बताने वाले हैं बहुत सारे अद्भुत प्रयोग। जीवन में शांति कैसे प्राप्त हो, घर परिवार में शांति कैसे हो, दाम्पत्य जीवन में सुख कैसे आगमन हो, एक छोटा सा रहस्य जिसको धारण कर लेने से नग होते हैं ना, बड़े बड़े विचित्र होते हैं, कल्याणकारी योग बनाते हैं। तो ऐसे ही एक खास उपाय के बारे में हम आपको बताएंगे, पूर्ण संपूर्ण जानकारी देंगे और साथ साथ आपके प्रश्नों का समाधान तो देंगे ही, राशियों के संबंध में बताएंगे। सितारे क्या कहते हैं आप पहले से जान लेंगे तो आपके जीवन में गुड लक अवश्य आ जाएगा, क्योंकि सही मार्ग पकड़ लेंगे। रास्ते तो सीधे जाते हैं ना, लेफ्ट या राइट, कौन सा रास्ता आपके लिए शुभ है वो हम आपको बताने जा रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से आज के लिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार्यक्रम के आरंभ में आज के पंचांग। मामे करेंगे कल्याण, मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष विद्यमान है, सप्तमी तिथि है, शुक्रवार है आज। शतदिशा नक्षत्र विद्यमान है, हर्षण नाम का योग बना हुआ है, चंद्रमा कुंभ राशि पर आ गए। मामे करेंगे कल्याण, शुभ मुहूर्त का समय नोट कर लीजिए, 11:58 से लेकर 12:40 तक का अभिजीत मुहूर्त है, इसका लाभ लेते हुए काम कर लीजिए। राहुकाल का टाइम भी नोट कर लीजिए, 11:05 से लेकर 12:19 तक का राहुकाल रहेगा, तो इससे बचते हुए आप शुभ मुहूर्त का लाभ लीजिए, कल्याण के योग बनेंगे। आज मित्र सप्तमी है, नरसिंह जी का आज जन्म, खासतौर पर जयंती है, उनका जन्मदिन भी है। नरसिंह जी की कथा सुनने से आ जाता है ना कि भगवान स्वयं भात भरने आए थे, ऐसे भक्त का स्मरण कर लेने से जीवन में कल्याण के अद्भुत योग बनते हैं। साथ साथ भद्रा सप्तमी आज ही विद्यमान है, विष्णु सप्तमी भी आज है, नंदा सप्तमी भी आज कही जाती है, साथ साथ शुक्रवार पड़ रहा है। देवी लक्ष्मी का आराधना का दिन बड़ा अद्भुत है, भगवती महालक्ष्मी वैभव की देवी मानी जाती हैं और ऐश्वर्य की देवी मानी जाती हैं। संपूर्ण जगत के सुख प्राप्त करने का जो माध्यम है भगवती महालक्ष्मी का आशीर्वाद ही है, और उनका आशीर्वाद अवश्य मिल जाए तो जीवन में कल्याण के योग बन जाते हैं। महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के लिए शुक्रवार के दिन विधिवत रूप से आपको भगवती की पूजा करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि जो जिनके पास धन नहीं होता या बहुत सारी परेशानी होती हैं, भौतिक सुखों में पूर्ण करने के लिए भगवती का खासतौर पर ऐसा कहा जाता है कि उनका आशीर्वाद मिलना चाहिए, और भौतिक सुख की पूर्ति के लिए धन का होना बड़ा आवश्यक माना जाता है, और धन जो है खासतौर पर माता लक्ष्मी कृपा से ही आता है। इसलिए शुक्रवार के दिन विधिवत रूप से भगवती महालक्ष्मी का स्तवन करें, पूजन करें। महालक्ष्मी की विशेष प्राप्त करने के लिए, बहुत सारी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शुक्रवार का व्रत भी रख सकते हैं, ये भी बड़ा अच्छा उपाय है, और इसको करने से कुंडली में ग्रह जो है शुक्र ग्रह जो है मजबूत हो जाता है। भौतिक सुखों का मालिक जो है वो भगवती महालक्ष्मी है और शुक्र भी है, तो उसको ताकत प्राप्त होने से, शक्ति प्राप्त होने से बड़े शुभ योग बन जाते हैं। अब समय हो गया आपकी राशि के अनुसार से बात करने का, मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है। सबसे पहले नंबर है मेष राशि वालों का। मामे करेंगे कल्याण, मेष राशि वालों आज धन अर्जन के रास्ते सुगम होते दिखाई दे रहे हैं, विद्यार्थी वर्ग के लिए सफलता के लिए प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। विशिष्ट जनों से आज मार्गदर्शन प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं आपकी राशि के अनुसार से। स्वास्थ्य का पाया थोड़ा कमजोर रहता दिखाई दे रहा है, शुभ अंक जो है वो है 1, शुभ रंग नारंगी रहेगा। जो लोग शारीरिक श्रम करते हैं उनको खास तौर पर आज आर्थिक तौर पर हेल्प करने का प्रयास करें, अनाज का दान करें, उनमें आपके लिए दिन शुभ हो जाएगा। मामे करेंगे कल्याण, वृक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज रोजगार प्राप्ति का प्रयास जो करेंगे वो सफलता की तरफ जाता दिखाई दे रहा है, बड़ी समस्याओं से छुटकारा मिलने का योग बन सकता है। आय में वृद्धि के संकेत दे रहे हैं, प्रसन्नता में वृद्धि हो सकती है, पारिवारिक चिंताएं थोड़ी परेशान कर सकती हैं। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल रहेगा। नवग्रह मंदिर में जाकर एक नारियल वहां समर्पित कर दीजिए, किसी गरीब व्यक्ति को नारियल वहां जाके दान कर दीजिए, कल्याण होगा। मामे करेंगे कल्याण, मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत दे रहे हैं ग्रह, आय के स्रोत में वृद्धि हो सकती है, फालतू खर्चा बढ़ने के योग दिखाई देते हैं, जल्दबाजी किसी काम में ना करें, शत्रु आपके नतमस्तक होते दिखाई दे रहे हैं, चिंता ना करें, आगे बढ़े, विवाद को पर बढ़ने ना दें। कई बार क्या होता है पता चल जाए ना कि शत्रु आज हावी नहीं होंगे तो हम खुल के खेलते हैं, ऐसा नहीं करें, आप ज़्यादा हवा में ना उड़ें, बैलेंस होकर काम करने का प्रयास करें। शुभ अंक 7 है, शुभ रंग सफ़ेद है, महालक्ष्मी का विधिवत पूजन करें और शुभ आपके जीवन में आगमन अवश्य होगा। मामे करेंगे कल्याण, कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए, धैर्य रखते हुए काम करें,
जोखिम भरे काम, जमानत भरे काम, जो काम वाले काम है उनको टाल दीजिए। प्रतिद्वंदा थोड़ी बढ़ती दिखाई दे रही, यानी कॉम्पिटिटिव थोड़ा बढ़ता दिखाई दे रहा है कॉम्पिटिशन। पारिवारिक समस्याओं में थोड़े लाभ के योग बन सकते हैं। विशेष वस्तु का खासतौर पर ऐसा दिखाई देता है कि सही समय पर नहीं मिलेगी, पहले से ठीक रहने का प्रयास करें, शांत होकर काम करने का प्रयास करें। शुभ अंक आपके लिए एक है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जो छोटी बच्चियां हैं उनका पूजन करें, उनका आशीर्वाद दें, कुछ उपहार दें, कल्याण के योग बनेंगे। मामे करेंगे कल्याण। व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार हमारे पास प्रश्न आ रहे हैं, उनका निदान भी हम आपको देंगे। गोरखपुर से अंकित त्यागी जी का एक मैसेज आ गया है। उन्होंने लिखा है कि जिस जातक की कुंडली हास्त हथेली पर चंद्रमा के पर्वत पर खासतौर मत्स्य रेखा का निशान हो, मछली का निशान बना हो, उस जातक का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए हस्तशास्त्र के अनुसार, जो हस्तरेखा विज्ञान है उसके अनुसार से, पामिस्ट्री के अनुसार से, यदि हथेली पर चंद्र पर्वत पर जो खासतौर मछली का निशान बन रहा है तो ऐसा व्यक्ति जो है बड़ा रचनात्मक माना जाता है। माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति की कला और संस्कृति के प्रति खासतौर पर प्रसिद्धि प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। ऐसे लोग देश में नहीं विदेश में भी प्रसिद्ध हो जाते हैं। मत्स्यरेखा का इतना चमत्कार है, इसलिए खासतौर पर मत्स्यरेखा का लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। जिनकी हाथ में है तो उस क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में काम करें, प्रसिद्धि मिलने के अद्भुत योग बनेंगे। मामे करेंगे कल्याण। और आज हमने कार्यक्रम के आरंभ में आपको बताया था कि आपके खासतौर पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के बीच सामंजस्य कैसे बने। यदि खटास आने लगी है या प्रेमी प्रेमिका के बीच में खासतौर पर कुछ दूरियां बनती चली जा रही हैं, दाम्पत्य जीवन में निरस्ता आती चली जा रही है, ये सबका कारण क्या है, और जब शुक्र कुंडली में कमजोर होने लगे तब ये सब समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, तो क्या धारण करें। हम आपको बताने जा रहे हैं ओपेल रत्न। ये अब ओपेल रत्न बहुत अद्भुत रूप से लाभ का रत्न है। ओपेल रत्न जो है वो खासतौर पर पति पत्नी के विवादों को दूर कर देता है, जो सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है उसको ठीक करता है। बड़ा चमत्कारिक रत्न माना जाता है। शुक्र का खासतौर पर संबंध विवाह के साथ होता है। ओपेल शुक्र ग्रह को प्रभावित करने की अद्भुत क्षमता रखता है, जो धारण कर लेता है, शुक्र प्रभावित हो जाता है। हिंदी में ओपेल को खासतौर पर दूधिया कहा जाता है, दूधिया पत्थर के रूप में जाना जाता है। ओपेल तुला राशि वालों के लिए, वृक राशि वालों के लिए और ऐसे लग्न वालों के लिए, जिनकी कुंडली में शुक्र फलदायी नहीं हो रहा है उनके लिए, खासतौर पर जिनकी कुंडली में शुक्र का बल कम हो जाता है, ऐसे में यदि ये जातक खासतौर पर ओपेल रत्न धारण कर ले तो उनके लिए विशेष तौर पर लाभ के योग बन जाते हैं। ओपेल पत्थर क्या है वो भी हम आपको समझा देते हैं। ओपेल पत्थर एक खासतौर पर विशेष प्रकार का धातु से बना हुआ जेल है, और ये खासतौर पर कम तापमान पर पत्थर, चूना, बालू, पत्थर इत्यादि इन सबके मिश्रण से नेचुरल वे बनता है, और उसका बड़ा उपयोग शास्त्र में बताया गया है। जैसे चट्टान की दरारों में इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पर इस प्रकार से ये रत्न बन जाता है, पारदर्शी रत्न माना जाता है, और कई रंगों में रंगीन का यानी रंगों में प्राप्त होता है। इंद्रधनुष धनुष के कारण से इसमें सबसे बड़ा सुंदर देखने की जो वृत्ति है बड़ा लाभ देती है। दाम्पत्य जीवन में सुख के लिए खासतौर पर दूधिया रत्न ओपेल को धारण करना बड़ा लाभदायक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से माना गया है। ओपेल रत्न किसको धारण करना चाहिए वो भी समझ लीजिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से ओपेल रत्न जो है शुक्र के प्रभाव को बढ़ाने का शक्ति रखता है, इसलिए इसको धारण करना चाहिए। जातक की कुंडली में, जब तुला राशि वृक राशि वालों की कुंडली में खासतौर पर या और कई प्रकार से तुला और वृक राशि में जातक ओपेल का रत्न जब धारण करेंगे तो जीवन में लाभ के योग बनेंगे। कई लोगों को संकोच भी हो जाता है इसको धारण करने के लिए, तो जिन जातकों की कुंडली में, जिन व्यक्तियों की कुंडली में कई प्रकार के योग बने हुए हैं, हम आगे उसको बताने जा रहे हैं, शुक्र बलवान नहीं है, उनको खासतौर पर ओपेल रत्न धारण करना जरूरी होता है। उनको धारण करें उससे शुक्र मजबूत होगा। कर्क राशि वाले, मकर राशि वाले जो लोग हैं और लग्न वाले जो लोग हैं वो खासतौर पर ओपेल रत्न धारण कर सकते हैं, उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। ओपेल रत्न हीरा का खास, जो हीरे का खासतौर पर सब्स्टिट्यूट माना जाता है। हीरा जो है बड़ा महंगा आता है, नहीं धारण कर सकते तो उसके लिए सब्स्टिट्यूट है, इसको धारण कर लीजिए, वही लाभ देगा। इस संबंध में और चर्चा करेंगे, पहले बात कर लेते हैं राशियों के संबंध में। सिंह राशि वाले बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मामे करेंगे कल्याण। सिंह राशि वालों, आपकी राशि में लेन देन में आपको सावधानी रखने का प्रयास करना चाहिए। शुभ समाचार मिलने के योग दिखाई देते हैं, आत्मविश्वास में वृद्धि के संकेत दे रहे हैं और भाइयों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। परिवार के साथ कुछ मनोरंजन कार्यक्रम बन सकता है, व्यवसाय ठीक चलेगा। शुभ अंक आपके लिए जो ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से दिखाई देता है 9 है। शुभ रंग आपके लिए मैरून है। पक्षियों को चारा डालिए, थोड़ा दाना डाल दीजिए, देखिए कल्याण के योग बनेंगे, कष्ट कम होंगे। कन्या राशि वालों के लिए कैसा योग बन रहा है जान लीजिए। मामे करेंगे कल्याण। बकाया वसूल करने का प्रयास जो करेंगे वो सफल होता दिखाई दे रहा है। व्यवसायिक यात्राएं सफलता की तरफ जा सकती हैं। आय के नए रास्ते प्राप्त हो सकते हैं। प्रेम प्रसंगों में अनुकूलता रहेगी।
कीमती वस्तु को बहुत संभाल के रखने की जरूरत है, वरिष्ठ जनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। शुभ अंक आपके लिए सात है, शुभ रंग आपके लिए ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से सफेद है। लाल वस्तुओं का दान करें, आपकी परेशानियां दूर होंगी। व्हाट्सएप के माध्यम से एक और प्रश्न आ गया, उस संबंध में बात कर लेते हैं। दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र से सुशील सौरभ जी का एक मैसेज आया है, और उन्होंने कहा है कि जिन जातकों का चेहरा अधिकतर तौर पर पतला होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, वो जानना चाहते हैं। देखिए, जिन जातकों का चेहरा पतला होता है, सूखा होता है, कई प्रकार से लंबा होता है, वो खासतौर पर पुरुष जो होते हैं खुश नसीब माने जाते हैं। ऐसे जातक जीवन में कई प्रकार की शुभ चीज़ें प्राप्त करने के योग बनाते हैं, कई प्रकार की कमियों का स्वतः ही दूर हो जाते हैं उनके भाग्य से। ऐसे जातकों का स्वभाव बड़ा निर्मल होता है, और मेहनत से जीवन में कल्याण के आगे बढ़ने के योग बड़े अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। जीवन बड़ा अच्छा रहता है और बहुत धन अर्जित करने के भी योग बनाते हैं। तो फेस के द्वारा यानी बहुत अद्भुत चीज़ें आप जान सकते हैं। जिन जातकों का छोटा जो चेहरा है वो छोटा होता है, वो जातक खासतौर पर धन का इस्तेमाल करने के लिए बहुत सोच समझ कर काम करते हैं। दाम्पत्य जीवन में स्थिरता के लिए उपेल रत्न के बारे में आपको बता रहे थे। तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम संबंधों में यदि किसी अकारण कलह प्राप्त हो गई, दरार बन गई, अनबन बहुत ज़्यादा रहती है, तलाक तक की नौबत आ गई है, उस स्थिति में परेशान ना हो, शादीशुदा जीवन में स्थिरता लाने के लिए आप उपेल रत्न का सहारा लेने का प्रयास कीजिए, धारण कर लीजिए। शुक्र के मंत्र से जप करवा कर आप इसे यदि धारण करेंगे तो वैवाहिक जीवन में उत्पन्न विवादों को धीरे धीरे आप दूर कर सकते हैं, बहुत शीघ्रता से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिकतर मामलों में उपल रत्न धारण करने से हमने देखा है खासतौर पर महिलाओं में और पुरुषों में निजी जो संबंध है वो ठीक कर सकते हैं, पुनर्जीवित कर सकते हैं, रोमांस प्यार इत्यादि को बढ़ा सकते हैं। उपल रत्न के खासतौर पर प्रेमी प्रेमिकाएँ पति पत्नी के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए, खराब संबंधों को ठीक करने के लिए उपल रत्न को धारण कर लीजिए। बहुत महंगा भी नहीं आता है, आमतौर पर सुनारों मिल जाता है, और यदि सिद्ध कर शुक्र के मंत्र से आप धारण करेंगे तो जो खासतौर पर आपके दाम्पत्य जीवन में उसमें मधुरता के योग बन जाएंगे। मामे करेंगे कल्याण। उपेल रत्न का खासतौर पर कहा जाता है शास्त्र के अनुसार से आलस्य को ठीक करने के लिए, शारीरिक संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए, रोग संबंधी परेशानी को दूर करने के लिए, यौवन शक्ति का विकास करने के लिए ये रत्न बहुत चमत्कारी है। शुक्र ग्रह का कारक है और खासतौर पर वीर्यवर्धक भी माना जाता है, शरीर में तंदुरुस्ती प्रदान करता है, हार्मोनल डिसऑर्डर को भी ठीक करने के लिए इसमें अद्भुत क्षमता होती है। गुर्दे तक की बीमारी को ठीक करने के लिए भी ये अद्भुत योग बना सकता है। आपके अंदर आकर्षक शक्ति खासतौर पर बढ़ाने के लिए यानी हिप्नोटिक शक्ति को बढ़ाने के लिए उपेल रत्न बड़ा चमत्कारी काम कर सकता है। तो इसका इस्तेमाल करके देखें, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियों को दूर करने के लिए, सौंदर्य शक्ति का विकास करने के लिए ये रत्न बहुत कारगर साबित होगा। मामे करेंगे कल्याण। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है हम आपको बताते हैं। आज लाभ का अवसर आपको प्राप्त होता दिखाई दे रहा है, व्यवसाय ठीक चलता दिखाई दे रहा है, सुख साधनों में थोड़े खर्चे अधिक हो सकते हैं, पारिवारिक सहयोग प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं, काम का विरोध भी होने के योग बन सकते हैं, परंतु जो कोर्ट के मामले हैं उसके लिए समय अनुकूल रहेगा। शुभ अंक आपके लिए एक है, शुभ रंग आपके लिए सुनहरा है। गायत्री मंत्र का जप कीजिए, आपका दिन शुभ हो जाएगा आपके लिए। मामे करेंगे कल्याण। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज स्वास्थ्य का पाया थोड़ा कमजोर दिखाई देता है, अपेक्षित कार्यों में थोड़ा कुछ बाधाएं ज्यादा अप्रत्याशित बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, थोड़ा तनाव बढ़ सकता है। कीमती वस्तु संभाल के रखिएगा, पहले ही हम आपको बता रहे हैं। आज दूसरों से के झगड़े में आपको अपने आप को नहीं फंसाना चाहिए, राज्य का प्रतिनिधित्व करने का खासतौर पर राज्य से सहयोग प्राप्त हो सकता है। शुभ अंक आपके लिए दो है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। गणपति को दूरवा समर्पित करें, कष्ट दूर होंगे, विघ्न दूर होंगे। मामे करेंगे कल्याण। स्वप्न विज्ञान के माध्यम से बहुत सारे लोगों के प्रश्न हमारे पास आने शुरू हो गए हैं, और इस वक्त एक मैसेज आया है हमारे पास, और उसमें लिखा है उन्होंने कि सांप के काटने से क्या स्वप्न यदि देखें तो क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, सांप का काटना स्वप्न विज्ञान के अनुसार से शुभ नहीं है। आने वाले समय में गंभीर बीमारी से परेशानी के योग दिखाई देते हैं, कोई बड़ी विपत्ति बड़ी परेशानी आपको घेर सकती है, शारीरिक कष्ट भी आपको सहना पड़ सकता है, इसलिए सावधान होते हुए काम करने का प्रयास करें। सपने के दुष्प्रभाव से तुरंत बचने के लिए भगवान शिव का अभिषेक करें, कच्चे दूध में थोड़ा तिल मिलाकर उनको अर्पित करें, उन्हें मछराय का जब करते हुए कष्ट कम होने के योग बनेंगे। मामे करेंगे कल्याण। एक संबंध में एक और प्रश्न आ गया है, वो आया है बोकारो से। सुरेश गुप्ता जी का मैसेज आया है, उन्होंने खासतौर पर सपने में खंडित मूर्तियों को देखा और जानना चाह रहे संकेत क्या है। देखिए, सपने में खंडित मूर्तियों को देखना शुभ संकेत नहीं है, और ये पूजा पाठ धार्मिक कर्मकांडों के दौरान ऐसा दिखाई देता है कि आपके द्वारा कोई बड़ी भूल हुई है, जिसके कारण से आपके इष्टदेव जो है वो आपसे कुपित हो गए हैं। उसके दुष्प्रभाव से बचने का आपको खासतौर पर प्रयास करना चाहिए, विधिवत पूजा करने का प्रयास करें, षोडशोपचार या पंचोपचार किसी ब्राह्मण को बुलाकर भगवान की पूजा करें, भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की पूजा करें, उनका चरणामृत ग्रहण करें, आपके कष्ट दूर होने के योग बनेंगे।
उपेल रत्न के बारे में हमने आपको बहुत सारी बातें बताई, कब धारण करना चाहिए, शुक्रवार के दिन, शुक्ल पक्ष के दिन, भरणी नक्षत्र के दिन, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के दिन या पूर्वा शाड़ा नक्षत्र के दिन इसको धारण करना बड़ा शुभ माना जाता है। उपेल रत्न जो है शुक्रवार के दिन धारण करने से शुक्र में खासतौर पर हीरा धारण किया जा सकता है, परंतु हीरा का खासतौर पर सब्स्टिट्यूट रत्न माना जाता है। उपेल रत्न सीधे के तौर पर खासतौर पर सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में धारण करने से बड़ा शुभ लाभ प्राप्त होता है। इस रत्न को धारण करते समय शुक्रदेव के मंत्र को ओम द्रांग द्रीं द्रोंग से शुक्राय नमः इसका 108 बार जप करने से विधिवत पूजा करके उसको संकल्प करके धूप दीप इत्यादि नैवेद्य करके जागृत करके धारण करने का प्रयास करना चाहिए, कल्याण के योग बनेंगे। उपेल रत्न धारण करने से कुछ नुकसान भी होते हैं, बहुत सारे लोगों ने इस पर सुझाया भी है, वो भी हम आपको बता देते हैं। बिना किसी ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार से आपको नहीं धारण करना चाहिए, किसी सुझाव के बिना उपेल रत्न धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रत्न बहुत अधिक ठंडा होता है। खासतौर पर इसको धारण करने के बाद व्यक्ति के अंदर आलस्य भी थोड़ा किसी प्रकार व्यक्ति जाग सकती है, त्वचा संबंधित समस्याओं को भी परेशान कर सकता है, और खासतौर पर जैसे त्वचा में खासतौर पर शुष्क हो सकती है, इस प्रकार के योग बन सकते हैं। इसलिए अपनी कुंडली को अच्छे से विचार विमर्श कराकर फिर इसको धारण करने का प्रयास करें, कल्याण के योग बनेंगे। मामले करेंगे कल्याण। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। धनु राशि वालों आज आर्थिक नीति बनती दिखाई दे रही है, नई रहेगी, कार्यप्रणाली में सुधार का संकेत मिल रहा है, आज लाभ का समय भी मिलता दिखाई दे रहा है, व्यावसायिक यात्राएं सफलता की तरफ जा सकती हैं, कानूनी बाधाएं थोड़ी परेशान करती दिखाई दे रही हैं, विवाद न करें। 8 अंक आपके लिए शुभ है, शुभ रंग आपके लिए नीला है, महालक्ष्मी का पाठ करें। ओम श्री हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजस्वजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मी जातवेदो, देखिए श्री सूत का कल्याणकारी पाठ करें, कल्याण होगा। मामे करेंगे कल्याण। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज खर्चे कुछ अप्रत्याशित तौर पर सामने आते दिखाई दे रहे, थोड़ा कर्ज की तरफ आप जाते दिखाई दे रहे, जोखिम ना उठाएं इस बात का ध्यान रखें। घर परिवार का सहयोग आपके लिए थोड़ा कष्टमय रहेगा, सहयोग पूरी तरह से प्राप्त नहीं होगा, अपेक्षित कार्यों में विलंब होने के योग दिखाई देते हैं, थोड़ी इनकम में का जो ग्राफ है वो छोड़ घटता दिखाई दे रहा है। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नीला रहेगा, जरूरतमंद लोगों की सेवा करने का प्रयास कीजिए, आपका दिन शुभ होगा। मामे करेंगे कल्याण। आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम में बात करते हैं एक और व्हाट्सएप मैसेज की। देहरादून से हमारे पास संजय गोडियाल जी का मैसेज आया है, उन्होंने कहा है कि दिमाग बहुत खासतौर पर परेशान कर रहा है, बहुत बुरे बुरे विचार, नेगेटिव विचार लगातार परेशान करते हैं, नेगेटिविटी जो है उन पर हावी हो गई है, इसे बाहर निकलने के लिए क्या काम करें। देखिए एक कहावत है, संगत और खाद की जो रंगत है वह अवश्य आती है, इसलिए अच्छी संगत को अपनाने का आपको प्रयास करना चाहिए, इससे आपके विचारों में बदलाव आएगा, नेगेटिविटी आपसे दूर हो जाएगी। साथ साथ आपको हम एक मुद्रा बता रहे हैं, ध्यान मुद्रा, पद्मासन में बैठ जाइए, दोनों हाथ इस प्रकार से आप रख सकते हैं, ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करते हुए दोनों हाथ यदि एक के ऊपर एक आ जाए तो ये ध्यान मुद्रा बन जाती है। इस मुद्रा को पद्मासन में आलती पालती मारकर या कुर्सी पर ही सीधी कमर कर आपको बैठने से थोड़ी देर इस मुद्रा का अभ्यास करें, यदि पद्मासन में आप बैठ पाएं, पद्मासन तो स्वतः ही एक ऐसा आसन है जिसमें कमर अपने आप सीधी हो जाती है, श्रुति ऊर्ध्वगामी बन जाती है, और ओमकार का जप यदि इस मुद्रा का अभ्यास करते हुए कुछ देर के लिए कर लें प्रदीप्त भावना के साथ, ऐसा कि पूरा शरीर जो है प्रकाश के पुंज के समान है, पॉजिटिविटी आ रही है, और सूर्य उदय के समय यदि इस मुद्रा को ध्यान करते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए करेंगे तो देखिएगा कुछ ही दिन में इसका चमत्कारिक भाव आपके मनोमस्तिष्क पे छा जाएगा, करिए ध्यान मुद्रा, कल्याण होगा। माह में करेंगे कल्याण। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। धन प्राप्ति का मार्ग सुगम होता दिखाई दे रहा है, ऐश्वर्य के साधनों पर कुछ बड़ा खर्चा बनने के योग दिखाई देते हैं, खासतौर पर रोजगार जो काम कर रहे हैं उसमें वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं, उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, परंतु सावधान रहिएगा अपरिचित लोगों पर बहुत ज़्यादा विश्वास न करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है, आज एक काम करें, एक रोटी बनाकर सबसे पहले गाय को देके आए, उसका आशीर्वाद लेके आए, समस्त देवताओं का वास है, आपके कष्ट दूर होंगे। नाम में करेंगे कल्याण। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलता दिखाई दे रहा है, प्रसन्नता रहती दिखाई दे रही है, आपके माता आपके अंडर जो काम कर रहे हैं उनके लोगों के साथ आपके संबंध सुधर सकते हैं, व्यवसाय ठीक चलेगा, परंतु सावधान रहें, जल्दबाजी ना करें, कुबुद्धि गलत बुद्धि गलत विचार आप पे हावी हो सकते हैं, स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रहता दिखाई दे रहा है, उपाय बताएंगे, चिंता ना करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग सलेटी है, हरा चारा गाय को डाल दीजिए और खासतौर पर कल्याण के योग बना लीजिए, दान करने से आपकी नौकरी बिजनेस में भी तरक्की के योग बन जाएंगे। मामे करेंगे कल्याण। अब हम बात कर लेते हैं हेल्दी टिप की, हर रोज लेके आते हैं आपके लिए बहुत अद्भुत रूप से, इस सेक्शन को बहुत लोग पसंद करते हैं और बहुत सारे मैसेज भी करते हैं, जिनकी श्वासों से दुर्गंध आती है उसके लिए घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं। मुंह की दुर्गंध, श्वासों की दुर्गंध एक गंभीर समस्या है, लोगों को पता भी नहीं चलता और ये बड़ी समस्या रखती है, आत्मविश्वास के स्तर को भी कम करती है, जब कोई कहता है तो कई बार हम लोग ऐसे देखते रहते हैं,
उसका मुख्य कारण हम आपको बताने जा रहे हैं। कई लोग धूम्रपान करते हैं, मुख को सूखा खासतौर पे रखते हैं और मसूड़ों की बीमारी होती है, साइनोसाइटिस हो उसकी वजह से भी समस्या होती है, पेट खराब हो उसकी वजह से भी समस्या हो जाती है। सौंफ खासतौर पर अद्भुत रूप से लाभ दे सकता है। माउथ फ्रेशनर के तौर पर इसको बहुत अनादिकाल से यूज़ किया जाता है। जिनके मुंह से दुर्गंध आने के खासतौर पर बहुत ज़्यादा दुर्गंध रहती है, उसके लिए सौंफ का खासतौर पर इस्तेमाल करें। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी, खास से बहुत सारे रोगों को दूर करने की इसमें क्षमता होती है। मुंह के बैक्टीरिया को लड़ने की अद्भुत तौर से लाभ देगी। तो कुछ देर सौंफ मुँह में रखकर उसको दिन भर आप चबा सकते हैं, उसके पानी पी सकते हैं, उसको उबाल के पानी पी सकते हैं, इससे आपको अद्भुत रूप से लाभ प्राप्त होगा। मुँह की दुर्गंध को दूर करने के लिए एक और दिव्य औषधि है जिसको दालचीनी कहा जाता है। स्वाद और खुशबू के लिए इसका इस्तेमाल खानों में किया जा सकता है। दालचीनी के कई गुण हैं, बहुत अद्भुत गुण कई प्रकार के हैं, और खासतौर पे इसको एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी यूज़ किया जाता है। इसके तेल में बहुत अद्भुत रूप से लाभ होता है और जो मुंह के दुर्गंध को भी दूर करने का अद्भुत रूप से लाभ करता है। मुंह के दुर्गंध को हानिकारक बैक्टीरिया को ठीक करने के लिए अद्भुत रूप से काम करता है। तो एक कप पानी में खासतौर पर दालचीनी का पाउडर मिला लीजिए और खासतौर पर उसको उबाल लीजिए। उबालने के बाद कुछ देर उसमें खासतौर पर उसको छान लीजिए। छानने के बाद उस पानी से कुल्ला करने से आपकी श्वास संबंधी समस्याओं को ठीक करने में अद्भुत रूप से लाभ प्राप्त होगा। और एक काम करें, फाइबर कंटेंट ज़्यादा खाने का प्रयास करें, जैसे पत्ता गोभी, गाजर, मूली, इन सब का सेवन करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। लौंग भी अद्भुत रूप से लाभ देगी। उसके अंदर जो तेल होता है उसका भी खासतौर पर उसको पानी के साथ उबाल कर लेने से भी आपको अद्भुत रूप से लाभ प्राप्त होगा। सांसों की दुर्गंध को ठीक करने में बड़े अद्भुत रूप से लाभ देता है। आप मुँह में लौंग के टुकड़े रख लें, उनको चबाएं और उससे आपकी दुर्गंध की समस्या भी दूर होने के योग बन सकते हैं। लौंग की चाय भी इस संबंध में आपको लाभ दे सकती है। और आप खासतौर पर चाय में पानी उबाल लें, उसको चम्मच को खासतौर पर लौंग का पाउडर डालकर भी कुछ देर के लिए उसको उबालने के बाद फिर खासतौर पर उसको कुल्ला कर सकते हैं या माउथ फ्रेशनर के तौर पर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाजार के जो माउथ फ्रेशनर हैं उनमें कई प्रकार की जो चीज़ें होती है ना, वो आपकी स्किन को ख़राब कर सकती हैं, परंतु ये चीज़ें आपको लाभ देंगी। नींबू तो कई जगह दुर्गंध को दूर करने का काम करता है, तो माउथ फ्रेशनर के तौर पे इसको अद्भुत रूप से आप यूज़ करें। आप नींबू की मदद से सांसों की दुर्गंध को दूर करने के लिए बहुत अद्भुत रूप से काम कर सकते हैं। इसके लिए एक कप पानी में थोड़ा सा एक चम्मच नींबू का रस डाल दीजिए और उससे कुल्ला करें और उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आप अपना ही आपके जीवन में कल्याणकारी योग बनेंगे और कष्ट दूर करने के योग बनेंगे। सबसे पहला काम आपको करना है, आपको खासतौर पर पेट साफ करने का प्रयास करना है। उसके लिए फाइबर कंटेंट मैंने आपको बताया वो करिए, कल्याण होगा। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे इसी समय पर, इसी चैनल पर कल फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्।